हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकग्राम एकेडमी। आज हम बात करेंगे इमेज आइकन क्लास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इमेज आइकन का। ये जो हमारी इमेज आइकन क्लास है, ये इनहेरिट करती है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब है कि हमें किसी क्लास को इम्पोर्ट, हमें किसी पैकेज वगैरह को इम्पोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सीधे प्रोग्राम की बात करें, ये हमारा एक नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें मैंने विंडो का साइज़ सेट कर रखा है 400x400, राइट। एंड क्लास का नेम है डैमो, जो एक्सटेंड कर रही है जे फ्रेम को। लेआउट हमने सेट किया है फ्लो लेआउट, एंड इस बटन को परफॉर्म करवाने के लिए, क्लोज बटन को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे फ्रेम में हमने ये लाइन को यूज़ किया है जो हमारा क्लोज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एग्जिट। ओके, और बाद में हमने फॉर्म को विजुअल करवा दिया है। यहाँ नॉर्मली एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम एक डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसका मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमारी सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, राइट। तो ये तो सब पीछे पढ़ के आ रहे हैं सब, भैया सेम टू सेम। आज हम बात करने वाले थे इमेज आइकन की। तो गाइस, यहाँ हम जावा में अगर हमें इमेज आइकन लगाना है स्विंग में, तो हम क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं, उस लेबल के ऊपर इमेज को पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक लेबल लेना है। मैंने ले लिया जे लेबल, एक न्यू लाइन में ले लेते हैं इसे। ओके, जे लेबल फॉर एग्जांपल, लेबल का नाम है लेबल। ओके, और यहाँ हमने उस लेबल को मेमोरी एलोकेट करवा दी। लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल हेलो, यहाँ हमने दे दिया लोगो। ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया क्योंकि मैं जो आगे इमेज ऐड करूँगा वो लोगो ही है। ओके, सो पहले से एक बार रन करवा के देख लेते हैं। रन करवाने से पहले हमें इस लोगो को ऐड करवाना होगा अपने फॉर्म पर, ऐड लेबल, राइट। अब इसे रन करवाते हैं ये हमारा डेस्कटॉप पर सेव है, तो हमें डेस्कटॉप पर नेविगेट करके कंपाइल करेंगे जावा सी हमारी क्लास का नाम है डेमो डॉट जावा, नॉट आ जावा, इस जावा जावा। ओके, जावा डेमो। ओके, सो हियर इट इज़, यह हमारा लोगो है। जो हमारा जे लेबल था, हमने लेबल क्रिएट किया है वो है। अब हमें करना क्या है कि एक इमेज को पुट करना है स्क्रीन पे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास है इमेज आइकन, इमेज आइकन, उसके थ्रू हम इमेज को लोड कर लेंगे। न्यू इमेज आइकन, यहाँ पे हम इमेज का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इमेज का नाम है इन माय केस, ओके हियर इट इज़, ये हमारा लोगो है जो एक PNG फाइल है और नाम है लोगो। ठीक है, तो हमें इसे लोड करना है हमारी सेम डायरेक्टरी में है जिस पर हमारा प्रोग्राम सेव है, तो हमें पाथ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली दे देंगे लोगो PNG, आई थिंक कि कैपिटल में था, वेल PNG। ठीक है, तो ये हमारा इमेज आइकन, यहाँ पे एक रेफरेंस पास करना होगा हमारे लिए इमेज आइकन, यहाँ पे मैंने IMG रेफरेंस का नाम दे दिया। तो जो हमारा इमेज, ये लोगो है जो लोड होगी पिक्चर, उसे ये IMG डिनोट करेगा, उस आइकन को ये IMG डिनोट करेगा, राइट। अब हमें करना क्या है, लेवल में क्या चेंजेस करने हैं कि हमारे लोगो था, यहाँ कॉमा लगा के हम एक और आर्गूमेंट पास करेंगे जो हमारा IMG। इसका मतलब क्या है कि हम जो हमारा लेबल है इस पर आइकन सेट कर रहे हैं। ओके, एंड देन जे लेबल के पास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो दो आर्गुमेंट लेता हो, लोगो और इमेज आइकन। ठीक है, ये स्ट्रिंग और इमेज आइकन। तो अगर, लेकिन एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो 3 आर्गुमेंट्स लेता है, तो इसका मतलब हमें 3 आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। जो लास्ट वाला आर्गुमेंट है वो हमारा है जे लेबल डॉट उसकी पोजिशन, हम सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर। ओके ओके, सो ऑल सेट। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, जावा एंड देन डेमो। ओके हियर इट इज़, तो ये हमने क्या किया है, अपने फ्रेम पर एक इमेज को ऐड किया है, राइट। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि जो हमारा लोगो है ये इसके नीचे लिख के आए। ओके, तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ लिखना है लेबल डॉट सेट वर्टिकल टेक्स्ट पोजीशन,
ओके और यहाँ हम पोजीशन दे देंगे, हम क्या चाह रहे थे कि जो हमारा वो टेक्स्ट है वो नीचे आए, राइट। तो यहाँ दे देंगे हम जे लेबल डॉट बॉटम, ओके। फिर से रन करा के देखते हैं, जावा सी एंड जावा, ओके। लोगो हमारा नीचे आ गया लेकिन वो सेंटर में नहीं आ रहा, पिक के नीचे नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हमने इसकी वर्टिकल पोजीशन सेट की थी वैसे ही हम इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेट करेंगे। तो इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं ऐसे और वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, हॉरी सॉरी जॉन्टल, ओके। एंड देन इसकी जगह पे हम सेंटर कर देंगे, सेंटर, ओके। ऐसे पहले क्लोज कर देते हैं, ओके। फिर से कंपाइल करेंगे, ओके। कंपाइल किया, देन रन करेंगे, ओके। जो हमारा लोगो था वो नीचे लिख के आने लगा। तो ऐसे हम अपने प्रोग्राम में इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी एक दिक्कत आएगी, छोटी सी दिक्कत आएगी जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिक्कत क्या आने वाली है कि अगर इन दैट केस कि हमने ये जो लेआउट सेट किया है ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमने नल लेआउट सेट किया है, हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं हमारे फ्रेम के लिए, और यहाँ पे जो हमारा लेबल था और इसके मैंने बाउंड सेट कर दिए, हाँ लेबल का नाम क्या था, लेबल, ओके, सेट बाउंड्स। अब बाउंड्स में सेट कर दिए कि 100,100 पे है और 120 की विड्थ हो और 40 की हाइट हो, राइट। अब मैंने इसे सेव कर दिया, अब हमने इसे कंपाइल करवाया। तो गाइस जो इमेज थी वो क्रॉप हो गई, सो दिस इज अ प्रॉब्लम वी हैव हेयर। और हम चाहते थे कि वो इमेज स्ट्रेच हो जाए ना कि क्रॉप हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।